अभी एंटर किया. ओके सी बच्चों, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट योर प्लांट टिश्यू, राइट. ये हमारी क्लास पार्ट टू से अब थ्री में जाने वाली है, राइट. तो वी आर मूविंग टुवर्ड द सेकंड पोर्शन, नेक्स्ट पोर्शन ऑफ प्लांट टिश्यू. एंड आफ्टर फिनिशिंग दिस वी आर गोइंग टुवर्ड द एनिमल टिश्यू पार्ट. तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला सेशन, आप लोगों को अच्छे से समझना है, इजीली सारा कंप्लीट करना है. तो यस, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल राइटली लाइक दिस. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो, लास्ट टाइम ने हमने कुछ कंप्लीट किया था यहाँ तक, आगे मूव करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं चीजों को. एग्जैक्टली, इन केस ऑफ फ्लोइंग, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था फ्लोइंग के बारे में, लेकिन थोड़ा ही पढ़ा था, ज्यादा कुछ हम लोगों ने नहीं किया था फ्लोइंग में. यस कबीर, राइट. हाँ, वेट वेट, नाउ यू कैन टॉक. चलो, सबसे पहले आप लोगों ने ये पढ़ लिया था लास्ट टाइम की यस, जो फ्लोइंग है एग्जैक्टली फूड की कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वी नो वेरी वेल, ठीक है. और यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है बताओ, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, वन वे या टू वे? यस, वन वे या टू वे होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन, विल टेल मी. जैसे वाटर का मूवमेंट वन डायरेक्शनल था, तो फूड का डायरेक्शन, फूड का जो मूवमेंट है, ट्रांसलोकेशन है, वो वन डायरेक्शनल होता है या टू डायरेक्शनल होता है? टू वे होता है. यस, टेल मी फास्ट, इट्स वेरी इजी. कपिल आप बताओगे, बहुत आसान है बच्चे. क्या फूड का ट्रांसलोकेशन कैसा होता है, वन डायरेक्शनल होता है या टू डायरेक्शनल होता है? तो हमने ये देख लिया कि यस ट्रांसपोर्ट अब वन टू डायरेक्शनल होगा फूड के केस में. नेक्स्ट पॉइंट, हम जानते हैं हमारी सेल्स होती हैं फ्लोइंग के अंदर, वो इलॉन्गेटेड सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं जो वर्टिकल रोज में अरेंज होती हैं. इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि सी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर पोर्ट होते हैं, इसकी हेल्प से आपका फूड का ट्रांसपोर्ट होता है. हमने कुछ बेसिक डिफरेंस भी समझा था लास्ट टाइम कि जाइलम वेसल्स और फ्लोइंग वेसल्स के बीच में किस तरह से यहाँ पर इनमें वाटर, जैसे जाइलम वेसल के अंदर वाटर का मूवमेंट कैसा है, वन वे ओनली, यानी कि रूट की डायरेक्शन की तरफ से, रूट की डायरेक्शन की तरफ से, रूट की तरफ से ये लीफ की तरफ मूव कर रहा है, यानी वन डायरेक्शनल मूवमेंट है. बट इन केस ऑफ फ्लोइंग, फूड का जो मूवमेंट है वो कैसा है बच्चों, टू डायरेक्शनल, टू वे फ्लो होता है फूड का, अप से डाउन की तरफ, डाउन से अप की तरफ, दोनों डायरेक्शन पॉसिबल होता है. ये हमने कुछ सी ट्यूब्स का डायग्राम भी देखा था, यहाँ पर सी प्लेट्स बनाई हुई है, दीज आर द सी प्लेट्स एग्जैक्टली, इसमें ये वाला पोर्शन और सी प्लेट्स हो गई, ये वाला सी ट्यूब्स हो गए, दीज आर द सी ट्यूब्स, ओके, एंड दीज आर द स्पेशल सेल्स व्हिच आर अरेंज्ड, व्हिच आर प्रेजेंट अलोंग विद योर सी सेल्स, दे आर कॉल्ड कंपेनियन सेल्स, ये भी कंपोनेंट है फ्लोइंग का. एंड देन वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड फ्लोइंग पैरेन्काइमा सेल. तो अगर हम फ्लोइंग की बात करें, फ्लोइंग इज कंपोज ऑफ, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मॉलिक्यूल इन टू वे डायरेक्शन, इट इज कंपोज ऑफ व्हाट, इट इज कंपोज ऑफ सी ट्यूब्स, इट कंपोज ऑफ सी ट्यूब्स नंबर वन, इट कंपोज ऑफ सेम कंपेनियन सेल्स फ्लोइंग पैरेन्काइमा एंड सी प्लेट्स. अगेन सी प्लेट्स जो है साइड में मिलेगा, सी ट्यूब के साइड में सी प्लेट्स का फॉर्मेशन होता है, ये पॉइंट हमने देखा था. एंड ये वाला कंटेंट भी हम लोगों ने कर लिया था, कि जो पोरस प्लेट होती है जो हम एग्जैक्टली ऊपर की तरफ पैरेन्काइमा सेल के कॉर्नर्स में प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड सील प्लेट, जो काफी पोरस होती है, और हर सील ट्यूब मेंबर सपोर्टेड होता है लॉन्ग ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स कॉल्ड द कंपेनियन सेल्स. अब कंपेनियन सेल जो वर्ड आया है एग्जैक्टली साथ साथ प्रेजेंट है कुछ सेल, तो एग्जैक्टली वो है क्या, पैरेन्काइमल सेल से ही डेवलप हुए हैं, दीज आर द कंपेनियन सेल. तो each sieve tube member या sieve tubes are accompanied with the
पैरेन्काइमल सेल्स जिनको हम कह सकते हैं क्या कंपेनियन सेल। तो वी कैन से पैरेन्काइमल सेल ही मॉडिफाइड होकर कंपेनियन सेल का फॉर्मेशन करते हैं, राइट? ओके, फ्लोएम टिश्यू आल्सो कंटेन फाइबर जिनको हम फ्लोएम फाइबर कहते हैं जो एंड सम काइंड ऑफ पैरेन्काइमल सेल। बिल्कुल ठीक है, तो हमारे पास फ्लोएम फाइबर हो गया, हमारे पास फ्लोएम के अंदर पैरेन्काइमल सेल्स हो गए, हमारे पास पैरेन्काइमल सेल मॉडिफाई हो गए, कंपेनियन सेल बना ली, तो कंपेनियन सेल्स हो गए, एंड सी ट्यूब एंड सी प्लेट्स हो गए। ये सारा क्या हो गया, ऑल दीज आर द कंपोनेंट और पार्ट ऑफ योर फ्लोएम, ये सारे फ्लोएम के पार्ट हो गए। चलिए इतना पॉइंट तो समझ आता है, क्लास में कर भी लिया था। हमने एक चीज समझी थी कि जो फ्लोएम में ज्यादातर कंपोनेंट लिविंग होते हैं लेकिन एक्सेप्ट फ्लोइंग फाइबर को छोड़ देते हैं तो वो नॉन लिविंग कंपोनेंट था, फ्लोइंग फाइबर नॉन लिविंग कंपोनेंट है यहाँ पर, इजी। तो ये डायरेक्शन हमने कंपेनियन सेल्स का बनाया है, दिस इज द कंपेनियन सेल्स का डायग्राम, और ये साइड साइड में जो है आपके पास लगे हैं दीज आर द सील प्लेट्स। तो सील प्लेट्स जो है कंपेनियन सेल के कॉर्नर पे या फिर टर्मिनल पोर्शन पे मिलेगी और हाईली पोरस होती है। कैसी होती है, हाईली पोरस होती है। अब देखो यहाँ एक डायग्राम दिया है, कॉर्क पीस शोइंग द डेड सेल्स। कॉर्क पीस क्या होता है आप जानते हो, हमेशा जो बार्क वाला पोर्शन होता है वो एग्जैक्टली कॉर्क सेल्स होती है, उसमें डेड सेल्स होती हैं, तो उसका डायग्राम शो किया गया एग्जैक्टली। यहाँ पर आओ, यहाँ से हम आगे मूव करना शुरू करते हैं। ये वाला पोर्शन पढ़ लिया था, जाइलम एंड फ्लोएम अकर टुगेदर ड्यू टू कलेक्टिव वैस्कुलर बंडल। अब होता क्या है, हमारे पास जब भी हम बात करते हैं वैस्कुलर बंडल की तो वी शुड नो वैस्कुलर बंडल्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मॉलिक्यूल एंड वाटर, राइट, एंड मिनरल एज वेल एज न्यूट्रिएंट, जो भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। अब इस वैस्कुलर बंडल में दो कंपोनेंट आपको मेजर पढ़ने को आए, दैट इज योर नंबर वन इज फ्लोएम एंड नंबर टू इज जाइलम, जिनको हमने वैस्कुलर बंडल में रखा। और ये वैस्कुलर बंडल सबसे पहले कौन सी कैटेगरी के प्लांट में मिले ये आपको पता होना चाहिए, तो दैट इज योर टेरिडोफाइट्स, याद होना चाहिए टेरिडोफाइट्स, या लिख देता हूं मैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले आपको वैस्कुलर बंडल्स रखे हुए, ठीक है। एल्गी के अंदर कोई वैस्कुलर बंडल नहीं है, एल्गी के अंदर कोई वैस्कुलर बंडल नहीं है, नो जाइलम नो फ्लोएम। ब्रायोफाइट फील्ड डेवलप हुए थे, ब्रायोफाइट में भी कोई वैस्कुलर बंडल नहीं है, नो जाइलम नो फ्लोएम, राइट। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ तो टेरिडोफाइट्स का हुआ, तो टेरिडोफाइट्स में जैसे मॉसेस आता है, फर्न्स आते हैं, राइट, मॉसेस है, टेलिडिना है, बहुत सारे प्लांट्स आते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर। यही वो प्लांट्स थे जो फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट थे जिनमें फर्स्ट टाइम वैस्कुलर बंडल डेवलप हुए। इज इट क्लियर कबीर, उपमन्यु, आकांक्ष, ये पॉइंट क्लियर है सभी को बच्चों? ठीक है, ये पॉइंट हमने समझ लिया है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होते क्या हैं। सबसे पहली बात अच्छे से समझ लेना, जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होगा वो हार्ट तो होना चाहिए भाई, जब तक प्रोटेक्शन दे पाएगा कोई, मान लीजिए बॉडी बिल्डर है एक, तो वो अगर स्ट्रांग होगा तभी तो आप प्रोटेक्शन कर पाएगा। तो इसी तरह से प्रोटेक्टिव टिश्यू जो भी बॉडी के अंदर होंगे या प्लांट बॉडी में है या एनिमल बॉडी में, दे शुड बी हार्ड, दे शुड बी थिक वॉल। एनिमल में तो वॉल होती है लेकिन प्लांट में वॉल होती है, तो वॉल कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी थिक, ताकि रिजिड हो, ताकि स्ट्रांग हो, वो एग्जैक्ट प्रोटेक्शन काम कर पाए। तो सी, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू कैसे होते हैं, वॉल कैसे होती है, दैट इज थिक वॉल, फर्स्ट थिंग दे शुड हैव थिक वॉल, नंबर वन। नंबर टू इज व्हाट एग्जैक्टली, इट कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल, राइट, एज इज की वेट, आप रिवाइज करना जब तक, राइट है, ठीक है, इतना क्लियर है, डन, नाउ स्टार्ट। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात हमने कर ली थी, दैट इज व्हाट, दैट इज योर दैट हैव योर थिक सेल वॉल, नंबर वन। दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रूट, नंबर वन, नंबर टू स्टेम एंड द लीफ। भाई प्रोटेक्शन रूट को भी चाहिए, प्रोटेक्शन स्टेम को भी चाहिए और प्रोटेक्शन लीफ को भी चाहिए, तो ये तीनों जगह पे मिलेगी एग्जैक्टली। इसके अलावा बाहर जो देखा होता है, बाहर जानते हो जो हमारा स्टेम का जो बाहर वाला पोर्शन होता है जो काफी रफ होता है, जिसको हम कहते हैं सर ये बार है प्लांट का, ट्री का, तो उसमें भी ये टिश्यूज काफी अच्छे प्रेजेंट होते हैं।
बोटल कॉर्क, आप ना बोटल कॉर्क के बारे में जानते हैं, ज्यादातर जो बोटल्स होती हैं जैसे विस्की की बोटल है या कोई और शैंपियंस हैं, उनमें एक कॉर्क लगा होता है ऊपर से बोटल के ऊपर, तो वो बोटल कॉर्क जो होता है वो भी इसी टिश्यू का बना होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू का बना होता है एग्जैक्टली। तो दी सेल्स, सो सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कोटेड विद वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस कॉल्ड सुपरिन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को याद रखने के लिए कि जितना भी आपका प्रोडक्टिव टिश्यू है वो उसकी सेल्स के वॉल के ऊपर देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड सुपरिन। ये सुपरिन है कैसा? सुपरिन इज अ वाटर इम्परमीएबल सब्सटेंस, दैट मींस इट डू नॉट अलाउ वाटर मॉलिक्यूल टू क्रॉस हिट, राइट। तो ये जहां भी डिपॉजिट होगा सुपरिन अपने अक्रॉस वाटर को मूव नहीं करने देगा। तो आपके प्रोटेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट है सुपरिन, राइट, स्टेम वाले पार्ट में हो सकता है, लीफ वाले पार्ट में हो सकता है, एंड योर रूट वाले पार्ट पे भी हो सकता है। तभी तो आप देखते हो जितनी भी लीफ होती है उन पर अगर सुपरिन का डिपॉजिशन होगा तो वहां से ट्रांसपायरेशन रेट भी कम होगा। या ऐसे प्लांट जो जीरो फाइटिंग कंडीशन में ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट जो आपके डेजर्ट कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं जैसे कि कैक्टस वगैरह है, और भी उनकी लीफ की सरफेसेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, आपका सुग्रीन की कोटिंग होती है जो कि वैक्सी कोटिंग है। कैसा कोटिंग है? वैक्सी कोटिंग है। इस वैक्सी कोटिंग की वजह से वाटर का ट्रांसपायरेशन भी कम हो पाता है, वाटर के ट्रांसपायरेशन होने ना होने से या कम होने से वाटर का लॉस कम हो जाता है, जिससे कि वो प्लांट डेजर्ट कंडीशन में सर्वाइव कर पाता है। अगर ये सुग्रीन की कोटिंग नहीं हुई, मान लीजिए एज्यूम लेता हूँ के साथ, अगर ये सुग्रीन की कोटिंग नहीं होती तो मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन होगा, हमारा प्लांट डेसिकेट कर जाएगा, डिहाइड्रेट कर जाएगा, और उसकी लॉस ऑफ वाटर की वजह से डेथ हो सकती है प्लांट की, क्योंकि पानी की पहले ही कमी है डेजर्ट एरिया में। तो ऐसा नहीं कि सुबरीन खाली प्रोटेक्शन फंक्शन करता है, सुबरीन का एक और फंक्शन है यहाँ पर कि वो एग्जैक्टली ट्रांसपायरेशन रेट को भी काम कर देता है, राइट। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी? सभी लाइक करके कहेंगे सर ओके है, ठीक है, डन है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, ये हमने समझ लिया सुग्रीन का पॉइंट, अच्छे से समझ लेना बच्चों, अच्छे से याद भी रखना। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं यहां पर, एक सेकंड देना मुझे, वन सेकंड। यहां पर मेरे पास कुछ डायग्राम में सेल्स दिख रही हैं, ठीक है। सेल्स क्या है एग्जैक्टली अब देखेगा आपको प्रॉपरली, यहां पर बहुत टाइप के टिश्यूज दिख रहे हैं, राइट। अभी टिश्यूज कौन कौन से हैं आप देखोगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली प्रेजेंट है, नीचे की तरफ आते हैं तो ये प्रेजेंट है आपका एपिथेलियल टिश्यू, ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ प्रेजेंट है मस्कुलर टिश्यू, राइट, मस्कुलर टिश्यू, राइट। तो दोनों तरह के टिश्यूज में आप आसानी से देख पा रहे हैं एग्जैक्टली। और हम थोड़ा सा साइड भी अगर देखें तो हमें यहाँ कुछ दिखेगा, दैट इज योर नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, ये डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर मिलते हैं मेजर मेजरली। ऐसा नहीं है खाली फोर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज ही बॉडी के अंदर हैं, हम बॉडी में कंसीडर करते हैं तो 40 से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इनसाइड बॉडी, पर मेजर मेजर हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ते हैं, वी स्टडी मस्कुलर टिश्यू, वी स्टडी कनेक्टिव टिश्यू एंड वी स्टडी योर नर्वस टिश्यू, क्योंकि मेजर पार्ट्स जिनको हम लोग स्टडी करते हैं, अदरवाइज बाकी को हम इनके कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, तो ये मेजर टिश्यूज हैं। तो आप सबसे पहले देखो यहाँ पर, आप अगर मैं यहाँ इंडिकेट किया है वाला पोर्शन में, यहाँ देख रहे हो क्या चीज, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बॉडी में जैसे मान लीजिए मेरे स्किन्स हैं, स्किन के ऊपर ये एपिथेलियल टिश्यू है सारा, प्रोटेक्टिव फंक्शन है इसका, बिल्कुल प्रोटेक्शन फंक्शन है। इसके अलावा प्रोटेक्शन के अलावा और भी फंक्शन होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, ये सिक्रीशन कर सकता है, फैट का सिक्रीशन करता है, सीमा का सिक्रीशन करता है, तो एपिथेलियल टिश्यू के और फंक्शन है प्रोटेक्शन के अलावा, सिक्रीशन भी है, एब्जॉर्प्शन भी है, हमारी बॉडी के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू होता है जैसे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वाला पोर्शन है, हमारे स्टमक का अंदर वाला पोर्शन है, वहां पे एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना भी होता है। तो एब्जॉर्प्शन भी एक मेन फंक्शन है, प्रोटेक्शन भी मेन फंक्शन है, एंड सिक्रीशन भी एक मेन फंक्शन है आपके एपिथेलियल टिश्यू का। इसके जस्ट ऊपर की तरफ देखोगे बच्चों तो यहाँ पर आपको ये आपका मस्कुलर टिश्यू दिख रहा है, ये वाला, दिस इज योर मसल टिश्यू एग्जैक्टली, जहां पर आपके मसल फाइबर से बंडल बना हुआ है, और बंडल बहुत छोटे छोटे मसल फाइबर से बना हुआ है, और मसल का बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, यानी कि मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर, मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि मसल कॉन्ट्रैक्टाइल है आपकी,
और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट आ रही है बच्चों, तो आंखों क्या करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, साइज में छोटा होता है, बड़ा होता है। और जब ये मसल किसी बोन से अटैच है, तो जैसे जब साइज में छोटा हो रहा है, तो बोन को ये मूव कराती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ योर बोन्स। अब जब बोन मूव करेंगे, तो ऑर्गेनिज्म मूव करेगा एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन या पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो हम ये कह सकते हैं इन अ सेल कि योर मस्कुलर टिश्यू इज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अगर थोड़ा इधर आओ साइड में, तो आपको यहाँ पर ये कुछ ऐसी एक नेटवर्क मिल रहा है। यहाँ बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जहां पर इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है। इंफॉर्मेशन क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक नाव भी पता थोड़ी करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक भी पता, तो हम यहाँ इलेक्ट्रिक करंट भी यूज करते हैं। यहाँ पर आयनिक के फॉर्म में मूव करता है, तो वर्ड हम यूज करते हैं बैटरी और नाव पल्स के फॉर्म में, क्योंकि नर्व पल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आ रही है, या स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी के डिफरेंट मसल्स में जा रही है, रिसेप्टर से जा रिसेप्टर से होती हुई बॉडी पार्ट में आ रही है, बॉडी पार्ट से या स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई वो ब्रेन में जा रही है। डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर पा रही है विद द हेल्प ऑफ योर नर्वस टिश्यू विच इज कम्पोज ऑफ न्यूरोन्स। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोन आप जो यहाँ देख रहे हैं, दैट इज ऑल। तो मेरे ख्याल से मैंने अभी जो एक सिनेरियो दिया आपको, एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया किस तरह से हमारी एपिकल टिश्यू दिखते हैं, किस तरह की हमारी मस्कुलर टिश्यू दिखती है, किस तरह का हमारा नर्वस टिश्यू दिखता है। तो मेरे ख्याल से आपके माइंड में अब एक एक चीज तो क्लियर हो जाती होगी कि यस, कि किस तरह से हमारे ये सारे बॉडी के पार्ट्स दिख रहे हैं, टिश्यूज दिख रहे हैं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चों, राइट? डन, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग फिर। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर वन पर, दैट इज योर एपिथेलियल टिश्यू। इसको आराम से समझेंगे, धीरे समझेंगे, आसानी से एक पॉइंट समझते हैं। जैसे अगर देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास ये पूरा जो है डायग्राम एग्जैक्टली क्या है, एपिथेलियल टिश्यू का है। और ये कुछ नहीं है, ये आपकी स्किन का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके बनाया हुआ है, जो एग्जैक्ट यहाँ लोकेशन शो कर रहा है। आप क्या देख रहे हो बच्चों, ये पूरा जो प्रोटेक्टिव लेयर है आपका एपिथीलियम, एपिडर्मिस कहते हैं, आपका आउटर लेयर होता है। इसमें इसमें डिपोजिशन हो जाता है आपके सब चांसेस का केराटिन का। केराटिन का अगर ऊपर डिपोजिशन हो जाए, तो आपकी जो एपिथीलियम है काफी प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। जैसे मान लीजिए मेरी जो स्किन है ये वाली, ये आपका एपिथीलियम है, इस एपिथीलियम पर केराटिन का डिपोजिशन है। आप पूछोगे सर केराटिन क्या होता है, तो मैं कहता हूँ केराटिन एक तरह का प्रोटीन है। केराटिन क्या बच्चों, केराटिन इज अ प्रोटीन। केराटिन क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन का अगर इस केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन है, अगर लेयर प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, तो योर स्किन बिकम अ प्रोटेक्टिव इन नेचर, वन थिंग। दूसरा अगर मान लेता हूं मैं, अगर मेरी स्किन के अंदर पे चले जाओ, यानी कि अगर माउथ के अंदर वाले एरिया में जाओ, अपने अपना हाथ उठाओ और अपने बकल के आर्टरी के अंदर हाथ डाल के, हैंड क्लीन होना चाहिए, गलत हाथ गंदे नहीं होने चाहिए या मिर्च के नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप हैंड क्लीन है, तो आप अंदर की तरफ अपने चीक के अंदर की तरफ डाल के करोगे, तो देखो बहुत स्मूथ है, कैसा है, बहुत स्मूथ है। तो जो अंदर वाला पोर्शन है एपिथेलियम का, दैट इज वेरी स्मूथ, दैट इज वेरी स्मूथ। इट डू नॉट हैव केराटिन डिपोजिशन। जब इसके पास केराटिन का डिपोजिशन नहीं है, तो ये प्रोटेक्शन का फंक्शन नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, हार्श नहीं रहता है। तो जब भी हम बाहर के एनवायरमेंट में हैं, एडवर्स कंडीशन से फेस कर रहे हैं, चाहे बाहर से वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, टेम्परेचर चेंज है, पीएच का चेंज है, तो ये सब प्रोटेक्शन के लिए हमारी केराटिन केराटिन जो है ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट है, जो बाहर के एनवायरमेंट से हमें प्रोटेक्ट कर रही है, राइट। तो एक तो काम में समझ आता है कि हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कवरिंग टिश्यू, कि मेजरली ये बॉडी को कवर भी कर रहा है, बाहर साइड से कवर कर रहा है, एज वेल एज फ्रॉम इनसाइड। हमारी बॉडी में कैविटी होती है, पूरी कैविटी होती है, जैसे हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कैविटी भी कह सकते हैं, जैसे माउथ के अंदर कैविटी है, फिर यहाँ ईसोफेगस में कैविटी दिखती है क्योंकि पाइप जैसे फूड, फिर अंदर स्टमक भी खाली सा होता है, स्टमक भी वैक्सीन होता है अंदर से, तो कैविटी है वहाँ पर भी। फिर आप इंटेस्टाइन में जाओ, अंदर कैविटीज हैं और यहाँ पर अंदर बॉडी में बहुत सी कैविटीज हैं, तो इन कैविटीज की लाइनिंग इन कैविटी को भी कवर करता है अंदर साइड से, कौन, एपिथेलियल टिश्यू। So we can say yes कि epithelial tissue जो body में काफी जगह located है और इसके काफी सारे functions हैं, जैसे protection एक function है, मैं लिख देता हूँ उसके क्या क्या main function होते हैं। number one function is your protection,
प्रोडक्शन एक फंक्शन है. नंबर सेकंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज योर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. हमारा जो फूड होता है हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो एब्जॉर्प्शन भी इसी टिश्यू के थ्रू होता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पोर्शन में होता है, स्टमक के कुछ पोर्शन में होता है, इस तरह लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ चीजें एब्जॉर्ब होती हैं जैसे वाटर एंड मिनरल्स वगैरह. फिर एक और फंक्शन होता है एपिथेलियल टिश्यू का, प्रोटेक्शन एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन. सिक्रीशन किस चीज का बच्चों? सिक्रीशन ऑफ एंजाइम का सिक्रीशन होना हुआ, या हार्मोन का सिक्रीशन होना हुआ, या सीबम का सिक्रीशन हुआ. सीबम क्या होता है? सीबम वर्ड होता है जो एकदम लुब्रिकेटिंग चिपचिपा सा फ्लूड जैसा ऑयली सिक्रीशन होता है, वैक्सी सिक्रीशन होता है जो आपकी आपके ईयर के अंदर वैक्स निकलती है, दैट इज सीबम. तो सीबम भी प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, वो भी आपकी एपिथेलियल टिश्यू से सिक्रीट होता है. सिक्रीशन ऑफ सीबम नाइन वेन और क्या स्वेट, स्वेट का सिक्रीशन भी जानते हैं अच्छे से, एंड एंजाइम्स वगैरह हो गए, है ना, एंजाइम्स का सिक्रीशन हो गया, सीबम का सिक्रीशन हो गया, हार्मोन का सिक्रीशन हो गया. तो ये हमें कुछ मेजर फंक्शंस माइंड में क्लियर हो जाते हैं. चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है. अब हम जानते हैं कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा है बच्चों, इट इज फॉर्मिंग द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी. ये पता कर लिया हम लोगों ने स्किन में, एज वेल एज इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट, हमारी बॉडी कैविटी को भी लाइन कर रहा है, हमने डिस्कस कर लिया ये. जैसे स्टमक को लाइन कर रहा है, इंटेस्टाइन को लाइन कर रहा है, माउथ को कर रहा है, थ्रॉट को कर रहा है, और बॉडी के अदर ऑर्गन को भी लाइनिंग कर रहा है, कवर कर रहा है. अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की. तो सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉम्पैक्टली प्लेस्ड. कॉम्पैक्टली प्लेस्ड मींस दे आर अरेंज्ड साइड बाय साइड, बहुत कॉम्पैक्टली एक के साथ अटैच हैं सारे के सारे, जैसे इनके बीच में सेल के बीच में स्पेस बहुत कम हो, है ना, स्पेस बहुत कम हो, तभी तो कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट. जैसे कि मान लीजिए एक मेट्रो ट्रेन में चढ़े आप और मेट्रो में बहुत भीड़ थी, तो सभी के सभी एक दूसरे से कॉम्पैक्टली पैक हो गए. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्स जो है बहुत कॉम्पैक्टली प्लेस्ड है. एपिथेलियल टिश्यू मे अज्यूम डिफरेंट शेप्स. बच्चों अलग अलग सेल्स की, यानी हमारा टिश्यू किससे बनता है, हमारे टिश्यू बनते हैं सेल से, सब जानते हैं. अब ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनकी शेप अलग अलग हो सकती है, जिसकी स्टडी में कराने वाला हूं आपको किस तरह की शेप की सेल्स मिलती है. भाई ये स्क्वेयर हो सकती है, ये क्यूबॉइडल हो सकती है, ये आपकी कॉलमनर हो सकती है, ये आपकी और कंबाइन, यानी कि अब सिंगल ले लेता है, अब इनकी मल्टी ले ली, मुझे स्ट्रेटिफाइड हो सकती है, ट्रांजिशनल हो सकती है. तो डिफरेंट डिफरेंट शेप मिलती है हमारे इन सेल्स की, राइट, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज फॉर्म करेंगे. चलो तो हमने कहा डिफरेंट साइज होगा डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ अकरेंस, एंड बिकॉज देयर साइज इज डिफरेंट, बिकॉज देयर शेप इज डिफरेंट, सो दीज टिश्यू ऑल्सो परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. तो अलग अलग फंक्शन भी ये परफॉर्म करेंगे, ठीक है. चलिए अब कौन कौन से फंक्शन जैसे हम जानते हैं, थोड़ा सा जो आप अपने बुक्स के अंदर लिखते हो, जो आप अपने एग्जाम में लिखते हो, वो सब चीजें लाइन बाय लाइन आपको हमेशा वर्ड बाय वर्ड याद भी कर लें, समझ भी लें. तो पहला फंक्शन क्या हुआ, इट इज प्रोटेक्टिव, राइट, इट इज प्रोटेक्टिव लेयर. कैसी है बच्चों? प्रोटेक्टिव लेयर है. एनिमेशन नहीं आप करेंगे बच्चों, अदरवाइज मुझे डिसेबल करते हैं और मुझे इसको क्लीन करना पड़ता है, राइट, वेट करो, आपसे नहीं होगा तो मुझे क्लीन करना पड़ेगा, राइट, सी, राइट, ओके, नाउ क्लियर, ठीक है, क्योंकि पूरा स्पेस आगे तक दिखेगा ये आपके पास. चलिए इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि हमने पहली बात ये समझी कि ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन हो गई. सेकंड थिंग पे आओ, सेकंड पॉइंट पे आओ कि क्या है, तो ये क्या कर रहा है, ये बॉडी के अंडरलाइन सेल्स को ड्राई होने से, इंजरी होने से, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से, या केमिकल के एक्शन से भी प्रोटेक्ट कर रहा है. तो ये काफी सारे फंक्शन हुए. इसके अलावा एब्जॉर्प्शन मैंने बताया था फंक्शन का, तो एब्जॉर्ब वाटर, एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, वाटर भी एब्जॉर्ब करता है. कहां करता है एब्जॉर्ब वाटर, इन योर इनसाइड योर लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, एज वेल एज अदर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है. सम सेल्स ऑफ एपिथेलियम आर सिक्रेटरी. सिक्रेटरी का मीनिंग दे सिक्रीट केमिकल कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. दे सिक्रीट स्वेट, it secrete your sebum, we have written it earlier, it secrete your enzymes, and it secrete your hormones as well. So these are the words, these are the components which are secreted by your epithelial tissues.
तो ईयर वैक्स हो गया, वी नो म्यूकस, म्यूकस क्या होता है? म्यूकस म्यूकस माउथ के अंदर जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, लुब्रिकेटिंग चिप्सा ग्लैसरीज होता है, दैट इज कॉल्ड म्यूकस। आल्सो सीक्रेट मिल्क फीमेल में, इन केस ऑफ फीमेल राइट ब्रेस्ट आर प्रेजेंट एंड दीज ब्रेस्ट कंटेन मिल्क इन केस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मदर राइट। तो बेबी को फीड कराती है मदर बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ दिस मिल्क। तो मिल्क इज व्हाट सिक्रीशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू है, मेमोरी ग्लैंड जो है, ब्रेस्ट जो है मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, तो दिस इज सिक्रीटिंग योर मिल्क एंड दिस मिल्क इज फीड टू द बेबी राइट। एंड आल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, प्रोटीन डाइजेस्टिंग जूस हो गए, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग जूसेस हो गए, एंड देन वी हैव लिपिड डाइजेस्टिंग जूसेस। तो बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड बाय योर एपिथेलियल टिश्यू, सो इट इज सिक्रीटिंग द एंजाइम वी कैन से। सो राइट दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ योर एपिथेलियल टिश्यू। नाउ वी कैन मूव। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं एग्जैक्टली? हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से हवा चल रही है और कुछ चीजें हिल रही हैं, और जो चीजें उसके सराउंडिंग में हिल रही हैं उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स मूव कर रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आपको कुछ ऐसा दिख रहा है क्या है सर? सर बच्चों ये कुछ नहीं है, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी सेल दिखाई है जो एग्जैक्टली अपने सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। ये सेल्स के पास सीलिया है जो सीलिया ऐसे करके मूव कर रहे हैं आपके मॉलिक्यूल्स को, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पहली टाइप की फर्स्ट काइंड ऑफ सेल्स इज योर सिंपल एपिथेलियम की बात करते हैं। सबसे पहले टिश्यू जैसे हमने कैटेगराइज किया अपने एपिथेलियल टिश्यू को दो कैटेगरी में, नंबर वन सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। तो फर्स्ट कैटेगरी मेरे पास आती है सिंपल एपिथेलियम की, दिस इज योर फर्स्ट कैटेगरी। सो योर एपिथेलियल टिश्यू इज कैटेगराइज इन टू कैटेगरी, नंबर वन सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का मतलब होता है सिंगल लेयर। कैसी होती है ये? सिंगल लेयर ऑफ सेल, यहाँ पे सेल एक ही लेयर में होंगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होंगी। और दूसरा कैटेगरी मेरे पास आता है, सेकंड कैटेगरी इज योर कंपाउंड, जो हम आगे पढ़ेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, या उसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी कहते हैं। ये मल्टी लेयर होता है बच्चों। कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड होता है, बहुत सारी सेल्स होती हैं जो एक के ऊपर अरेंज हो रही होती हैं। तो अब सबसे पहले जो फेमस एपिथेलियम होती है उसका शेप कुछ ऐसा दिखता है। मान लीजिए मैं ऐसा डायग्राम अगर ड्रॉ करूं, इस तरह की कुछ सेल मिलती हैं, स्पाइनल शेप सेल्स मिलती हैं, इनका एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। मान लीजिए एक सेल ये थी, दूसरी सेल मैंने ये बनाई लाइक दिस, इस तरह से तीसरी सेल मैंने मान लीजिए ये बना दी बच्चों, इसके बीच में अटैच करके लगी हुई है प्रॉपरली, तो इस तरह से सेल के पास सेल ऐसे अटैच है। चौथी सेल मान लीजिए मैंने ये बना ली लाइक दिस, तो इस तरह से सेल, बहुत सारी सेल आपकी अटैच हैं। अब ये मत कहना कि सर एक ऊपर एक है, ये मैंने एक ऊपर वाला व्यू दिखाया टाइल्स लाइक, जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं और अपनी जगह जमीन को देखिए, आपने जहाँ बैठे हुए वहां देखिए, अगर टाइल लगी हुई घर पे तो टाइल कैसे सीखेंगे? इस तरह की टाइल, एक टाइल ये हो गई, दूसरी टाइल इधर साइड में हो गई, तीसरी इधर हो गई, तो बहुत सारी टाइल एक के बाद साइड में लगी दिखेंगी। तो वो एक सिंगल लेयर का टाइल, ऐसा नहीं टाइल के ऊपर टाइल लगाई गई आपके घर के अंदर, ओनली एक सिंगल लेयर ऑफ टाइल्स लगाया गया है। तो जितनी भी हमारी फेमस एपिथेलियल सेल्स हैं, जितनी भी हमारी फेमस एपिथेलियल सेल्स हैं, वो क्या करती हैं? वो सिंगल लेयर में फेमस शेप में अरेंज होती हैं, और इनका जो अरेंजमेंट होता है इट इज जस्ट लाइक योर टाइल्स। तो सिंपल फेमस एपिथेलियम को हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम या टैसिलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम और टैसिलेटेड एपिथेलियम भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो सेल्स की मार्जिन होती है ना काफी वेवी होती है, इस तरह से मार्जिन जो होती है वेवी होती है, प्रॉपर नहीं होती, थोड़ा वेवी अपीयरेंस होता है। इसी वजह से इन सेल्स के इस वेवी मार्जिन की वजह से इन सेल को हम क्या कहते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। और इनका जो अरेंजमेंट है टाइल्स की तरह होता है, टाइल्स के पैटर्न में अरेंज हो रही होती हैं, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड टैसिलेटेड टैसिलेटेड एपिथेलियम और टाइल लाइक अपीयरेंस है। तो हमने क्या लिखा, हमारी जो फेमस एपिथेलियम है, दिस इज फेमस एपिथेलियम आर फ्लैट। कैसी होती है जो फ्लैट, एकदम फ्लैट के फॉर्मेट में, एकदम लेयर के फॉर्मेट में बिछी हुई है, दे आर टाइल लाइक इन अपीयरेंस। प्रेजेंट कहाँ कहाँ लोकेटेड होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम? तो आपको याद रखना है कि ये एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई कहाँ होता है?
एल्वोलाई प्रेजेंट होता है लंग्स के अंदर। अगर आपने पहले क्लास किया होगा आपको पता होगा लंग्स में स्मॉल स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उन बैलून लाइक स्ट्रक्चर की जो वॉल होती है, राइट, जैसे एक डायग्राम बनाओ बैलून का, तो एक बैलून मान लिया मैंने, ये बना लिया बैलून का मतलब एल्वोलाई का डायग्राम बना लिया मैंने। इसकी जो यहाँ वॉल है, यहाँ पर कुछ इस तरह की सेल्स हैं। ये सेल्स दिखने में हमारे सिंपल स्केलर एपिथेलियम जैसी हैं, तो आपकी ये एग्जैक्टली क्या कहा गया इनको, सिंपल स्केलर एपिथेलियम की लेयर कहा गया, व्हिच इज प्रेजेंट हियर। सो वी कैन से इट इज प्रेजेंट इन द एल्वोलाई ऑफ लंग। तो पहले ये बताओ सभी मुझे कि क्या ऑल ऑफ यू, आपको सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का लोकेशन क्लियर हुआ बच्चों? क्या बच्चों आप लोगों को सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का लोकेशन क्लियर हुआ? गुड, सभी को क्लियर हो गया। उपमन्यु, कांश एंड कबीर, राइट? यस सर। एवरीबॉडी क्लियर? गुड गुड। तो अभी हमने क्या सीखा? अभी तक हमने बस इतना सीखा बच्चों कि सिंपल एपिथेलियम कैसे दिखता है। तो आपका आंसर होना चाहिए सिंगल लेयर होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या सीखी हम लोगों ने? दूसरी बात हम लोगों ने ये सीखा कि इनकी जो वॉल होती है, राइट, वो एग्जैक्टली टाइल लाइक मतलब अपीयरेंस होता है, वेवी अपीयरेंस होता है। और तीसरी बात हमने ये सीखी कि एग्जैक्टली ये लोकेट कहाँ होती हैं? ये लोकेट होते हैं आपके कहाँ पर? एल्वोलाई ऑफ लंग में, लंग की एल्वोलाई की वॉल होती है, नंबर वन। नंबर टू, और कहाँ लोकेट होते हैं ये लोग? ये प्रेजेंट होते हैं बॉमेन कैप्सूल में। ये बॉमेन कैप्सूल आप लोगों का नया वर्ड है ना, न्यू वर्ड आप लोगों के लिए बॉमेन कैप्सूल है ना। तो आपको मैं आपको लोकेट कराता हूँ कहाँ लोकेट होता है बॉमेन कैप्सूल। जो नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन बच्चों, नेफ्रॉन देखा है, जो किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल होता है, उसका जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड बॉमेन कैप्सूल। आगे वाली क्लासेस में आपको ये सब चीजें पढ़ोगे तो बॉमेन कैप्सूल का एक प्रॉपर डायग्राम भी वहां पढ़ते हैं। तो आप अभी याद कर सकते हो कि बॉमेन कैप्सूल कहाँ है सर? बॉमेन कैप्सूल हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन जो मिलते हैं उनपे, उनके अंदर एक बॉमेन जो है कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसकी वॉल जो होती है वो भी सिंपल स्क्वायर एपिथेलियम की बनी होती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं सी। तो भाई इसके अलावा मेम्ब्रेनस लैबरिंथ भी एग्जांपल लिखा हुआ है इंटरनल ईयर। हमारे इंटरनल ईयर में अंदर वाला पोर्शन ईयर का होता है इंटरनल ईयर, वहां पर एक मेम्ब्रेनस लैबरिंथ पोर्शन होता है, उसमें भी सिंपल स्क्वायर एपिथेलियम मिलती है। तो अब आपके पास कुछ एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं जो हमें एग्जैक्टली याद करने होते हैं, समझने होते हैं। इंटरनल ईयर मिलेगा तो हमारी जो बॉडी के अंदर कैविटी है उसकी जो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम का मतलब होता है कि लेयर होती है, झिल्ली जैसी पतली सी शीट जैसी लेयर होती है, पतली सी शीट जैसी लेयर होती है, वो शीट जैसी लेयर हमारी कैविटी को लाइन करती है, कैविटी को करती है लाइन करती है, कवर करती है चारों तरफ से। तो जो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम लेयर है जो हमारी कैविटी को लाइन कर रही है, दैट पेरिटोनियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स, हमारे ब्लड वेसल्स जानते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स कैपिलरीज वगैरह आ गई, आर्टरीज है, आर्टरी डिवाइड करके आर्टरियोल बनता है, आर्टरियोल के फर्दर डिवीजन से कैपिलरी बनती है, छोटी छोटी कैपिलरी, उनकी वॉल भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। तो ये सारी क्या है? ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ लोकेशन ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? अब हम आगे मूव करते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं। सेकेंड कैटेगरी मेरे पास आता है, अभी वाला डायग्राम जो देखा था आपने, उसमें जो हमने स्टडी किया, डायग्राम को ड्रॉ किया था, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम थी, स्पाइनल शेप सेल थी, जो टाइल लाइक मिरर अरेंज थी सिंगल लेयर में, इसलिए टेसरेट एपिथेलियम कहा था या पेवमेंट एपिथेलियम को कहा था, उसकी लोकेशन हम लोगों ने पढ़ ली। नाउ सेकेंड कैटेगरी इज, यहाँ पर सेल की शेप कैसी है? द शेप ऑफ द सेल इज हियर इज क्यूब लाइक। तो देखो जरा यहाँ पर ध्यान से देखो कैसी सेल की शेप है, यहाँ पर क्यूब लाइक है, तो ये देखो एक क्यूब बना हुआ होगा।
इट्स ट्यूब लाइक सेल, यानी लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द सेल इज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है. सो इट इज व्हाट इट इज योर क्यूब लाइक सेल. तो क्यूब लाइक सेल्स कैसे अरेंज हैं, ये भी एक लेयर में अरेंज हैं, एक ऊपर एक नहीं आप देखोगे तो ये एक लेयर में अरेंज हैं. और नीचे वाला पोर्शन क्या है सर इसके, तो बच्चों नीचे वाला पोर्शन आप पूछते हो कि सर ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, जो ये पोर्शन दिखाया गया है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन. इसको क्या कहते हैं हम लोग, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं. अब कहोगे सर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लीजिए कभी आपने अगर घर बनता हुआ देखा हो या किसी के घर में टाइल्स लग रही हो, तो टाइल्स लगाने से पहले क्या लगाते हैं, एक सीमेंट का लेयर लगाते हैं, सीमेंट लाते हैं उसे डाल देते हैं फ्लोर के ऊपर, वो बिछा दिया सीमेंट उसके ऊपर टाइल लगा देते ताकि टाइल्स चिपक जाए आपके फ्लोर के ऊपर, टाइल्स चिपक जाए अटैच कर जाए. तो इसी तरह से हमारी सेल्स जो सेल्स हैं उनके नीचे भी एक लेयर ऐसी होती है जिसके ऊपर सारी टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर या सेल्स लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड हैं. तो दिस इज कॉल्ड इन दिस केस दीज आर कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट. तो जितनी भी एपिथेलियल सेल्स हैं उनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा. ओनली वन को छोड़कर एक ही कैटेगरी हमारे पास एपिथेलियम की ऐसी है जहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है, वो क्या है, उसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम. क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम. ट्रांजिशनल एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है. क्या होता है, पर बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बाकी हर जगह मिलेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट. अब एक थोड़ी बात और बता दूं आपको, ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम अगर पढ़ोगे बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट. तो कहां मिलती है आपकी ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलती है आपके यूरिथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर. वहां पर उस बॉडी के ऑर्गन का साइज एंड शेप चेंज हो सकता है, ट्रांजिशन हो सकता है शेप एंड साइज में, व्हेन यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो वो स्ट्रेच कर जाता है, स्ट्रेच कर पाता है, अपनी सेल की शेप एंड साइज चेंज कर पाता है, बिकॉज के पीछे जो नीचे सेल का लेयर है वहां बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है. अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती तो आपकी ये जो सेल्स हैं यूरिनरी ब्लैडर में वो स्ट्रेच नहीं कर पाते, अपनी शेप एंड साइज चेंज नहीं कर पाते. तो एक बेनिफिट है वहां पे, इसलिए इसीलिए यूरिनरी ब्लैडर में आपकी आपकी कौन सेल मिलती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की सेल मिलती है, ना कि कोई और सेल. लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं अपने क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, जो क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, सिंगल लेयर में अरेंज होती हैं और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं. तो ये सेल्स मिलती कहाँ है, दे आर फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, जो किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं उनमें मिलती है. सैलिवरी ग्लैंड आपने सुना है, हमारी माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होती है, जैसे कि जो माउथ में सलाइवा रिलीज करती है, पैरोटिड ग्लैंड एग्जांपल है सैलिवरी ग्लैंड का, सबलिंगुअल ग्लैंड एग्जांपल है इसका. तो मैं लिख देता हूँ आपके एक सैलिवरी ग्लैंड का नाम, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड. बच्चों एक बात और बता दूं यहाँ पर, अगर यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एनटीएससी या फिर आप आगे देने की दोगे दोगे, लेकिन अभी ओलंपियाड अगर आप देते हो क्लास नाइन्थ में, वो आप लोग और टेंथ नाइन्थ टेंथ स्टूडेंट एनटीएससी से प्रिपरेशन होता है, दोनों के लिए कॉमन सिलेबस होता है आप जानते हो. तो उन्होंने आपको पता होना चाहिए पैरोटिड ग्लैंड जो सैलिवरी ग्लैंड का एग्जांपल है, इस पोजीशन पे मिलती हैं और दीज ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है वायरस का. तो डू यू हैव एनी आइडिया, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको पता हो तो यू कैन गिव मी राइट आंसर. पैरोटिड ग्लैंड में देयर माइट बी अ इन्फेक्शन ऑफ अ वायरस, राइट, व्हिच कॉज अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर और डिजीज, वी कॉल देम, यस, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डिजीज, डू यू हैव एनी आइडिया, आप लोगों को कोई आइडिया हो तो बताओ. यस, कुछ आइडिया है बच्चों, उपमन्यु, कबीर एंड आकांक्ष, एनी आइडिया बच्चे, नो, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करते हैं हम लोग, है ना, कबीर एंड उपमन्यु एंड आकांक्ष, एक पॉइंट और सुनना जल्दी से. वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों, एंड एवरीबॉडी सी, इन केस ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, सी दिस इज द लोकेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, अंदर साइड होता है बाहर नहीं होता, यहां लोकेट होता है सैलिवरी ग्लैंड, पहले बात तो
सेलेरिक लैंग में देयर माइट बी ए इन्फेक्शन ऑफ वायरस, जो बहुत कॉमन है, मिलता है कभी ना कभी इसको हो जाता है, तो व्हाट इज दैट वायरस, या फिर उस डिजीज का नाम बता दो जो जनरली आपके पैरासिटिक ग्लैंड के अंदर उस वायरल इन्फेक्शन से होती है। इन्फेक्शन होता है उस वायरस का, तो वो क्या है, वो डिजीज क्या है, या वायरस का नाम बता सकते हो? चाहिए, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन है, जैसे आईडी के लिए ऐसा नहीं कि आप लोगों को आता है यहाँ तक, उससे कोई मतलब नहीं है। आकाश दिमाग लगाओ, सोचो सोचो, पर ये मत सोचना कि सर नहीं आ रहा, छोड़ तो क्या करूं, मेरे को नहीं आता, डिमोटिवेट मत होना, कि ये एडवांस पॉइंट है। मैंने कहा ना एनसीसी वगैरह या ओलंपियाड एग्जाम देते हो तो उसके लिए है ये वाला पॉइंट, आपकी बुक में नहीं पूछने वाला, आपके उसमें नहीं पूछेगा, वो आप तक कल सैलरी लेकर जाएगा, उसके दिन जाना, लेकिन हाँ ओलंपियाड वगैरह में आ जाते हैं, दैट वाई हम डिस्कस करते हैं। चलो मैं बताता हूँ, छोड़ दो छोड़ दो, टाइम वेस्ट नहीं करते, कुछ आगे चलते हैं ना, बताता हूँ मैं। देखो मम्स कहते हैं बच्चों को, एम यू एम पी एस, मम्स, मम्स इज द राइट, मम्स हो जाते हैं पैरासिटिक ग्लैंड के अंदर, मम्स वायरस का इन्फेक्शन होता है, ये स्वेल कर जाती है, ये वाला ऑप्शन स्वेल कर जाता है, राइट, इसको मम्स कहा जाता है। कभी ना कभी किसी ना किसी को हो ही जाता है, आज पहले का था, आजकल काफी कम है, क्योंकि आजकल वैक्सीन काफी सारी हैं, जिसकी वजह से बच्चे वैक्सीन ले लेते हैं, तो वो इम्यून हो जाता है इसके लिए। तो चलो यहाँ से बस समझिए, हमें आगे चलते हैं। अभी ये बात क्लियर है सबको कि वॉइडल एपिथेलियम का लोकेशन, उसका शेप एंड डायग्राम, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आओ। कॉलमनर एपिथेलियम शेप कैसी होगी सेल की, शेप इज जस्ट लाइक कॉलम, देखो यहां पर कैसा सेल का शेप, कॉलम लाइक दिख रहा है, इट्स अ कॉलम लाइक। तो न्यूक्लियस कहां पर प्रेजेंट होगा सेल का, एट द बेस, बेस वाला पोर्शन में न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, एग्जैक्टली दिस इज योर न्यूक्लियस एंड दिस इज योर कॉलमनर सेल, एंड दीस कॉलमनर सेल्स आर प्रेजेंट हियर, 1 2 3 4 5 एंड सो मेनी सेल्स आर हियर, they are forming a complete layer, they are forming a complete layer, so it form a simple columnar epithelium, simple columnar epithelium, what is the meaning of simple, yahan par single layer of columnar cells hongi, single layer of columnar cell, single layer of columnar cells present hongi, right? सेल्स कैसी होंगी दिखने में, सेल्स आर मोर टॉल देन वाइड, वाइडनेस कम होगी, टॉलनेस ज्यादा होगी सेल में, प्लेस साइड बाय साइड, न्यूक्लियस कहां पर प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस सिचुएटेड नियर द बेस, देखो बेस की तरफ न्यूक्लियस है, ये हमारा बेस है, बेस के पास न्यूक्लियस है, क्यों भाई, क्योंकि होता क्या है इन सेल्स में, अपर वाला पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में सम फूड सब्सटेंस, सम फ्लूइड सब्सटेंस, सम kind of secretory component store हो जाता है, right? तो it will create a pressure on the nucleus and nucleus shifted to the base of the cell की तरफ, नीचे की तरफ वो shift हो जाता है, कि ऊपर वाले component में cytoplasm और cytoplasm present होता है, कुछ secretory material, that's why. चलो, ठीक है, इसके अलावा on the free surface, ये तो नीचे basement membrane हो गया, ये वाला question क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, अगर हम देखें ब्लू वाला पोर्शन क्या है बच्चों, दिस ब्लू वाला पोर्शन इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसे पीछे था सीमेंट की तरह सब्सटेंस के ऊपर चीजें बेस होती हैं, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो इसका वो सरफेस कौन सा हुआ जो ओपन है, ओपन सरफेस वाला, ओपन वाला, तो ओपन सरफेस के ऊपर इट माइट हैव प्रोजेक्शंस जो फिंगर लाइक हो सकते हैं, तो भाई फिंगर लाइक ऐसे होंगे कुछ, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में लाइक दिस, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में भी अराइज ऑन द फ्री सरफेस ऑफ दिस एंड इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म योर व्हाट, दैट इज योर माइक्रोविलाई,
माइक्रो विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द कॉलर एपिथेलियम. सो इफ दीज आर प्रेजेंट दे आर जनरली प्रेजेंट इन द इंटरनल सरफेसेस ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन. खासकर क्यों इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाली सेल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी? रीजन इज दैट these finger-like projections, which is called microvilli, they increases the surface area of absorption. They increases the surface area of absorption. Surface area of absorption. मान लो हमारे ये कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन योर इंटेस्टाइन. मान लो इंटेस्टाइन में यहाँ से सराउंडिंग में फूड मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं या ऐसे सब्सटेंस पड़े हैं जो डाइजेस्ट हो चुके हैं, यानी कि अमीनो एसिड्स हैं, यानी कि प्रोटीन्स हैं. मान लीजिए पड़े हुए सारी चीजें अमीनो एसिड्स हैं, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर. तो अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे तो ज्यादा से ज्यादा फूड मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में वाले जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो कांटेक्ट में आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पॉसिबल होगा. सो व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट, इट विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन, इट विल इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. सो ज्यादा से ज्यादा आपका फूड यहाँ पर डाइजेस्ट फूड एब्जॉर्ब हो पाएगा. सो इट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई which is present in your intestine. So this point is clear to you. चलिए next point आते हैं. देखो यहाँ पर मैंने example लिया ciliated epithelium, जो diagram पहले भी दिखाया था आपको मैंने, cilia का location वो यहाँ पर भी normal रूप से कर रहा है. Right. See, ciliated as the name indicates, cilia are present on the free surface. ये जो फिंग आपके फ्री स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो काफी मूवमेंट शो कर रहे हैं, इसके सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सीलिया. ऑल सीलिया इन सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट है, वो मॉलिक्यूल्स को एक डायरेक्शन मूव करा रहा है. तो हमने कहा सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, व्हिच टिश्यू, सीलिया का फिलियल टिश्यू, modification of collar epithelium की modification है, but they have on their free end small vibratile cilia. They are mostly found in kidney tubules में मिलेंगे आपको, kidney tubules में and trachea में and oviduct में. What is oviduct here? Oviduct का meaning होता है fallopian tube. It is found in case of female. फैलोपियन ट्यूब कहते हैं इनको. तो फैलोपियन ट्यूब में आपके एग्स को, यानी फीमेल का नाम एग को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए, पुश करने के लिए फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के पास सीलिया प्रेजेंट होती हैं. ट्रेकिया में क्यों प्रेजेंट है ये? ट्रेकिया मान लो ट्रेकिया है क्या? ट्रेकिया में भी पाइप है. हमारे एयर के साथ कुछ पार्टिकल चले गए, अब ये लंग में चले गए तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी लंग में चले गए तो. यहाँ ट्रैकिया में सीलिया है, वो क्या करेंगे, पुश करेंगे बाहर की तरफ को, ताकि जब पार्टिकल बाहर ट्रैप हो जाए बाहर ही रहे अंदर न जाए. तो दे आर द फंक्शन ऑफ, दीस आर द फंक्शन ऑफ योर सीलिया व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द लाइनिंग ऑफ द सीलिएटेड एपिथेलियम. सिंपल. नेक्स्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम, बहुत इजी है समझना, बहुत इजी है ग्लैंडुलर एपिथेलियम को समझना. क्यों इजी है? नाम ही है बहुत इजी. ग्लैंडुलर नेचर, इट सीक्रेट्स सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल कंपाउंड. दिस केमिकल कंपाउंड मे बी एंजाइम, इट मे बी एनी काइंड ऑफ सीक्रेशन, इट मे बी म्यूकस, इट मे बी सलाइवा, इट मे बी क्या विस्कस फ्लूइड जैसे सीबम था. तो सीक्रेशन किसी भी फॉर्म में होगा, हार्मोन, एंजाइम, सीबम, म्यूकस एंड स्वेट. सो ऑल दीज सीक्रेशन आर सीक्रेट बाय व्हाट? बाय योर ग्लैंडुलर एपिथेलियम. वन मिनट, आई थिंक आई हैव डाउट. यू हैव डाउट? यस, यू पीपल हैव डाउट. वन डाउट, आई विल सी, वेट फॉर वन सेकेंड, गिव मी वन सेकेंड. यस नाउ राइट सर, कैन यू गो टू द प्रीवियस स्लाइड? ओके आकांक्ष, राइट, हियर इज योर स्लाइड. सी दिस वन,
राइट? यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग, यू कैन आस्क राइट नाउ. ओके डन, चले आगे. ओके यू वॉन्ट टू राइट समथिंग, सी गुड. सो एवरीबडी दिस, यस एवरीबडी दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी? कबीर, उपमन्यु, एनीबडी? ओके यस. अरे आकांश, आकांश आपका ब्रदर बादलों में बैठा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है. देखा देखो आपने ब्रदर को, कितना अच्छा लग रहा है लुक, है ना? इजी कूल. अपने अपने उसमें देखो, उसमें दिखेगा आपको बादलों के वो बैठा देखा लगेगा, क्योंकि यू हैव सम दैट. अब देखिए चला के बेचारा अच्छा लग रहा है वो, देखो बादलों में बैठा हुआ एकदम से राइट. तो ग्राफिक्स कितने बढ़िया लगते हैं ना, टेक्नोलॉजी कितनी एकदम कमाल होती है, अच्छा लग रहा है. गुड, चलो अगला पॉइंट करते हैं. ग्लैंडुलर पिछले समझो, क्लाउड्स पे योर लर्निंग इज आल्सो क्लाउड लर्निंग ना, ये भी क्लाउड लर्निंग है. मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, बादलों से होती हुई आपके पास आ रही है. सो वी आर क्लाउड लर्निंग में ही हम लोग हैं, सैटेलाइट लर्निंग और ऑल दिस सब टेक्नोलॉजी लर्निंग में ही हम लोग अभी. चलिए ग्लैंडुलर एपिथीलियम की बात करते हैं हम लोग. सी इन द केस ऑफ ग्लैंडुलर एपिथीलियम, सेल एग्रीगेट टू फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स एंड ग्लैंड्स. यहाँ बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो गई बच्चों. देखो सीधे डायग्राम, सीधे डायग्राम, इस डायग्राम में क्या हो रहा है जल्दी से यहाँ से देखो. यहाँ से देखो, वन सेल इज दिस, कहाँ गए हम लोग, ये रहा. एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, बहुत सारी सेल्स दिख रही है हम लोग. ये सारी सेल्स हैं, ये इस तरह से क्लस्टर हो रही हैं कि अपने अंदर कुछ ना कुछ छोड़ कर ले. मान ली ये सारी सेल इस तरह से यहाँ पर इस तरह से इकट्ठी हुई कि इस वाले पोर्शन में इन्होंने कुछ चीजें स्टोर कर ली, है ना, स्टोर कर ली. अब ये स्टोर्ड कंपोनेंट यहां से ऐसे करके बाहर की तरफ, इट विल रिलीज लाइक दिस, इट विल रिलीज लाइक दिस. तो हुआ क्या, दिस होल स्ट्रक्चर इज नाउ कॉल्ड एज ग्लैंड. इसको क्या कहेंगे हम लोग, पूरे स्ट्रक्चर को ग्लैंड कहेंगे. इस ग्लैंड में क्या है, लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं जो क्लस्टर हो गए एक जगह, एंड इट विल फॉर्मिंग अ एपिथीलियम, एंड दैट इज कॉल्ड योर ग्लैंडुलर एपिथीलियम. So we can assume simply, we can easily understand it. These glandular epithelium are the cell aggregate or the masses of cell which form a gland. And these glands give us secretion of the substances. This substance may be sebum, may be mucus, may be your what? Sebum, mucus, your sweat, sweat blood, enzyme, and hormones, right? So these are examples I have written here for oily secretion. All these glands present in skin, खासकर कहाँ present होती है, skin में. Salivary gland present कहाँ है, saliva secreting gland, salivary secreting mouth, inside mouth region में, right? इसके अलावा और भी locations होते हैं, intestinal gland भी होती है हमारे body में. Pancreas को अगर बात करें, pancreas भी एक gland है, exocrine और endocrine दोनों functions का है pancreas का. तो ये point में clear है, easy, cool, right? Now, moving toward the next portion, that is our sensory epithelium. So, sensory epithelium, हम लोग बस 1 minute मेरे पास है आप लोगों को discussion के लिए. तो we are just moving through this last portion, sensory epithelium. और compound epithelium को हम we will take in the next portion or next class, right? तो in this session, sensory epithelium का portion जो study कर लेते हैं. Cells, as the name indicate, बच्चों, as the name indicate, is sensory. Sensory का meaning होगा, it is responsible for receiving information. So some cells, some columnar epithelial cell exactly, they get modified and become sensory. How they become sensory? Because some nerve endings, some neurons are attached to these cells. When some kind of environmental changes, yeah, some kind of chemical respond or it will move toward the sensory cell or sensory epithelium, the information from this sensory epithelium move toward the your neuron, and neuron carries this information to the brain or spinal cord. So, because when your nerve endings are attached, or nerve endings and neurons are attached to the your sensory cell or simple cell, and they become sensory. So, sensory cells kya ho gayi, columnar epithelium hi hai, they are columnar epithelium, but nerve cells, neuron ki endings pe innervated hain. Some neurons are innervated on that, or attached on that. So, simply you can write, innervated at the base by sensory nerve fibers or neuron. Such cells are found in the sense organ. Body के कहाँ कहाँ है sense organ? Tongue is your sense organ. Eyes भी sense organ है. Internal ear is your sense organ.
स्किन बीज योर सेंस ऑर्गन, तो यू हैव डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लॉट्स ऑफ डिफरेंट सेंस ऑर्गन. तो ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. तो आज का होमवर्क रहेगा आपको, अभी तक जितना पढ़ा आपने स्टार्टिंग फ्लोइंग से लेकर अप टू दिस सिंपल एपिथीलियम, ऑल के सभी के एग्जाम्पल्स, सभी के डायग्राम्स माइंड रखने. आई विल शेयर दिस पीपीटी विथ यू पीपल ऑन योर ग्रुप, राइट, ताकि आप उसको देखकर रिवाइज भी कर पाओ. इजी? तो चलो नेक्स्ट क्लास मिलेंगे. टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, अच्छे से पढ़ना और आइसोलेट रहना, हैंड वॉश करते रहना. ठीक है, बाय बच्चों. थैंक यू सर. बाय बाय बच्चों.